खरगोन जनशिक्षा केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के 125 शिक्षकों ने मिलकर कोविड 19 की महामारी में सहायतार्थ हेतु जिला चिकित्सालय खरगोन को आवश्यक सामग्री भेंट करके लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर अनूठी मिसाल पेश की। इस दौरान शिक्षकों ने टेंट कूलर, हैंड सैनिटाइजर, सेंसर मशीन, मास्क, पीपीई किट डॉक्टर दिव्येश वर्मा को भेंट की। इस मौके पर एसडीएम सत्येंद्र सिंह सहित अनेक शिक्षक भी मौजूद थे। इस दौरान संकुल संघ ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते समस्त शिक्षकों द्वारा सहयोग राशि देकर महत्वपूर्ण सौगात दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सोच है सर कि जो अभी ग्रीष्म का समय चल रहा है और इसमें मतलब कि जो कोविड से संबंधित मरीज हैं उन लोगों को इसका लाभ मिल सके, हॉस्पिटल को ये लाभ मिल सके, ऐसी योजना हमारे जन शिक्षक मुकेश चौहान ने बनाई और हम उसको क्रियान्वित करने में आज सफल हो पाए हैं। इसमें यह दिया है कि हमारे संकुल के जितने भी शिक्षक हैं, लगभग 124 शिक्षक हैं, उसमें 500 से लेकर के 2100 रुपये तक का दान दिया है और सब ने सहर्ष दिया है, स्वेच्छा से दिया है, किसी व्यक्ति पर कोई हमारे द्वारा दबाव नहीं दिया है। क्या क्या दे रहे हैं? क्या क्या दिया? इसमें हम जो है टेंट कूलर, जो मतलब लगभग एक मेडिसिन वार्ड या और कोविड वार्ड में भी रहता है तो उसमें लगभग 50 पेशेंट को या मरीज को उसकी हवा मिल सकती है। इसी के साथ साथ हम मतलब जो है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज मशीन दे रहे हैं 5, और साथ ही साथ लगभग 1000 मास्क दे रहे हैं और लगभग 40 के आसपास जो है हमने गाउन जो नर्स के लिए रहते हैं डिस्पोजल वो दिए हैं। क्या नाम सर आपका? राजेंद्र गुप्ता, प्राचार्य शासकीय कन्या उमावी क्रमांक 1 खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।